क्या चल रहा है धोनी के मन में। टी20 से बाहर करने के बाद क्या धोनी लेंगे संन्यास? जानिए धोनी का पूरा सच इस रिपोर्ट में। महेंद्र सिंह धोनी की गिनती उन नायाब खिलाड़ियों में होती है जो बरसों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन अब तक अपना मुस्तकबिल खुद लिखते आए पूर्व कप्तान के लिए अगले साल इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप तक राह उतनी आसान नहीं होगी। विश्व कप 2019 महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी टूर्नामेंट होगा, लेकिन ये नहीं भुलाया जा सकता कि टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने कैसे एक झटके में संन्यास ले लिया था। BCCI की एक विज्ञप्ति से इसकी जानकारी मिली। धोनी का जहां तक सवाल है तो वो कुछ भी अप्रत्याशित कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत की T20 टीम से बाहर होने के बाद संभवतः क्रिकेट का महासमर आखिरी मौका होगा, जब कभी कैप्टन कूल तो कभी मुकद्दर के सिकंदर जैसी उपमाओं से नवाजे गए इस दिग्गज को आखिरी बार हम टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने उन्हें सीमित ओवरों के 2 में से 1 प्रारूप में बाहर करके पहले संकेत दे दिए हैं। BCCI के आला अधिकारी ने कहा यह तय है कि ऑस्ट्रेलिया में 2020 में होने वाला T20 विश्व कप धोनी नहीं खेलेंगे, लिहाजा उन्हें टीम में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि चयनकर्ता और टीम प्रबंधन ने इस पर काफी बात की है। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चयन समिति की बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें, धोनी ने 2018 में 7 T20 मैच खेले और उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 गेंदों में नाबाद 52 रनों की रही। बाकी 6 पारियों में उन्होंने 51 गेंदों में 71 रन ही बनाए। धोनी को अगले 2 महीने तक मैच अभ्यास भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि भारत अगले वनडे जनवरी से मार्च के बीच खेलेगा। चयन समिति के प्रमुख MSK प्रसाद विकेट कीपर के रूप में दूसरे विकल्प पर बात कर चुके हैं और ऋषभ पंत पर टीम प्रबंधन ने भरोसा जताया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद धोनी को घरेलू वनडे मैच भी खेलने को नहीं मिलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट भी खत्म हो चुके हैं। भारत के एक पूर्व खिलाड़ी ने कहा, यदि पंत अच्छा खेलता है और धोनी का खराब फॉर्म बरकरार रहता है तो क्या उसे विश्व कप टीम में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें करीब से जानने वालों को पता है कि इसके पीछे कितना सोच विचार किया गया होगा। ऐसे में अब आगे वक्त ही बताएगा क्या धोनी जल्दी क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।